आज हम बनाने जा रहे हैं एक मीरा बाई का स्केच, और आई थिंक एक स्केचिंग एक आर्ट है. आर्ट बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग, ऐसे ही स्केचिंग भी एक आर्ट है. और मेरे ख्याल से आर्ट हर बंदे में होती है. द पॉइंट इज़ कि हमें उसे फाइंड करना है और डेवलप करना है. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस मीरा बाई स्केच. तो ये मैं बेसिकली एक बिगनर हूँ, मैं आई एम नॉट एक्सपर्ट और आई एम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब ओनली. तो मैंने एक मीरा बाई का स्केच एक बार मैंने बना के देखा है, तो अब मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ कैसे जो मैंने बनाया हुआ है कैसा फाइनल बनेगा. अब जो वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनेगा, वो इस टाइप का बनेगा हमारा, ठीक है. तो जो ये स्केच हमने बनाया, जैसे कि आपने देखा है अभी, ये हमने सिर्फ एक आउटलाइनिंग बनाया है. इट्स नॉट कि हमने उनकी डेप्थ तक बनाया है, इट्स जस्ट आउटलाइनिंग. और आउटलाइनिंग के बाद हमारे एक मीरा बाई का स्केच तैयार हो जाएगा. तो लेट अस स्टार्ट. स्केचिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे हमारा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है और कुछ बन के आता है तो हमें कुछ सीखने को भी मिलता है. तो मीरा बाई का जो हमने स्केच ये तैयार किया है, उसके अंदर हमने सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, एक स्केल चाहिए और दो पेंसिल्स चाहिए. एक मैंने एक हल्की पेंसिल चाहिए, एक डार्क पेंसिल चाहिए. तो मैंने जो हल्की पेंसिल चाहिए वो मैंने 4H की यूज़ की है, और जो डार्क पेंसिल मैंने यूज़ की है डेट इज़ HP. आप 2B भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी डार्क पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा हमें चाहिए एक कंपास प्रकार, और रबर एंड शार्पनर तो नॉर्मल में हमें चाहिए रब एंड शार्प करने के लिए. तो लेट अस स्टार्ट विद द स्केचिंग ऑफ मीरा बाई. अब स्केचिंग ऑफ मीरा बाई के अंदर हमें जो बेसिक चीज़ बनानी है, सबसे पहले तो हमें एक जानना पड़ेगा कि हमें उसमें बनाना क्या है. हमें उसमें तीन, एक तो बनाना है इकतार, एक मीरा बाई की आउटलाइन, थर्डली बनाना है हमें मीरा बाई के हाथ में करताल, ठीक है. हमें तीन चीज़ें बनानी है. तो लेट अस स्टार्ट विद द ईजिएस्ट वन. जो मेरी थ्योरी है मेरी ये है कि मैं सबसे पहले ईजिएस्ट चीज़ बना दी, उसके बाद उसे और चीज़ें डेवलप कर दी जाती हैं. अब मैं एक A4 साइज़ के पेज पे बना रही हूँ. आपने अगर छोटा बनाना है तो उसको छोटा भी बना सकते हैं, प्रोपोर्शंस उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करने पड़ेंगे. अब हमें जो एक तारा बनाना है उसकी जो लेंथ है वो मैं A4 साइज़ के अकॉर्डिंगली ले रही हूँ 19 सेंटीमीटर. आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंगली करें, मैं प्लीज़ बार बार बोल रही हूँ, ठीक है. ये बन गया हमारी लेंथ. हमें हल्की सी टेढ़ी लेंथ बनानी है, क्योंकि जो मैंने कहा कि हमें मीरा बाई एक पहले देख लेना है कि बनाना क्या है. अब हमें मीरा बाई बनानी है जो कि सिटिंग पोजीशन में है और एक तारा उनके साइड पे वो प्ले कर रहे हैं एक तारा से. अब हमें एक तारा थोड़ा टेढ़ा पड़ा हुआ है, और प्रकार का यूज़ स्टार्टिंग में ही हो जाता है. प्रकार की जो रेडियस है वो मैंने 2 सेंटीमीटर के अराउंड लिया है, 2-2.5 सेंटीमीटर, इससे थोड़ा छोटा होगा. ये हम सर्कल बना देंगे. अब हमें इस जितना भी आपने रेडियस लिया है उसे थोड़ा सा बड़ा ले लें. ये एक और हम इसका आउटलाइनिंग बना देंगे. ये हमने तैयार कर दिया. अब जैसे कि हमने पास दो पेंसिल्स हैं, अब हम 4H पेंसिल से हल्के हैंड से बनाएंगे. हल्के हैंड से हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि इससे हमें थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक हुई तो हम उसे रब करके दोबारा बना सकें और वो निशान उसके ऊपर ना रहे अल्टीमेटली, ठीक है. हमने अब इसके अंदर का पोर्शन बना लिया. अब हमारा एक तारा तैयार हो गया. अब हमें बनाना है इसके लोअर पोर्शन मीरा बाई का. मीरा बाई के लोअर पोर्शन बनाने के लिए हमें मीरा बाई की सिटिंग पोजिशन तैयार करनी है. आप एक बार दोबारा देख लें स्केच, जैसे ये स्केच है हमारा, इसमें क्या है कि नीचे का पोर्शन वो चौकड़ी मार के बैठी हुई है ऐसे, और इस साइड का पोर्शन उन्होंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा हुआ है. यही फील करते हुए, जैसे कि हम बैठे हुए हैं, ये फील करते हुए हमें बनाना है. अब हम यहाँ से नीचे जो हमने एक तारा बनाया है इसके नीचे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हल्का सा फील करते हुए इनकी लेग का पोर्शन हमने बना दिया एक साइड का. अब हमें दूसरा पोर्शन बनाना है. ये हमें थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है. ऊपर से स्टार्ट करते हुए
ये हम यहाँ तक ले लें। अब हमें इसके साथ साथ दूसरी आउटलाइनिंग भी बनानी है। आप ये ध्यान रखें और देखते रहे साथ साथ कि कौन सा पोर्शन मैं थोड़ा चौड़ा बना रही हूँ और कौन सा पोर्शन मैं थोड़ा हल्का बना रही हूँ, क्योंकि चौड़ा और हल्के में ये एक बात है कि जो हमारे फाइनल तैयार होकर आएगा उसमें इस तरीके से आएगा कि वो एक लुक देगा कंप्लीट। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप प्लीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट का कोई वो नहीं है, क्योंकि ये एक स्केच है, हर एक माइंड में सोची हुई चीज़ें हैं, तो अगर हल्की ऊपर नीचे भी होती है तो भी उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका ये नीचे का पोर्शन तैयार हो गया। नीचे के पोर्शन तैयार होने के बाद अब हमें इनके वो हिस्सा बनाना है जो इनके क्लोदिंग के अंदर काउंट होगा। आप प्लीज़ देखते रहें कि मैं कौन सा कब बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा इजी पोर्शन पहले बनाती हूँ। ठीक है, अब हमने ये वाला पोर्शन बना दिया। आप प्लीज़ ये देखते रहें कि मैं किस डायरेक्शन में चीज़ें लेकर जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली जो हमारा बनकर आएगा वो डायरेक्शंस ही डिफाइन करेंगी, और इनकी जो सुंदरता है वो डायरेक्शंस से ही पता लगेंगी। आपसे मैंने एक बार पहले बनाया हुआ है ये, तो इसीलिए मैं एक ही बार में बना रही हूँ। हो सकता है आपसे एक बार में ना बने, आप इसे रब करके दोबारा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये इसके ऊपर का ले जाना है थोड़ा हल्का सा। ये पार्ट इनके क्लोदिंग में काउंट होगा, तो इट्स नथिंग कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है। आप थोड़ा ऊपर नीचे आराम से इसे कर लें। ये हमारा हम इसका आउटलाइनिंग बना रहे हैं जो इसको टच करते हुए बनाएंगे। जो मैं बना रही हूँ ये मैं बहुत फास्ट बना रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था उसमें मैंने बहुत टाइम लिया था, तो एज अ बिगनर आप ही अगर टाइम ले रहे हो तो नथिंग टू वरी, आप आराम से इसे बना लें। आप प्लीज़, मैं कह रही हूँ जो ये नीचे का पोर्शन है यहाँ वाला, ये आप टेढ़ा इसी डायरेक्शन में बनाएं, दूसरी डायरेक्शन में बनाएंगे तो वो अलग फील देगा इसका। अब क्योंकि ये ऊपर ऐसे टांग इन्होंने ऊपर की हुई है, तो इनका ऊपर वाले इसी डायरेक्शन में ही ये आएगा। अब हमें इस डायरेक्शन का बनाना है। यहाँ पर हमें हल्का सा ऐसे गोलाई मिले जाते हुए, जैसे एक बैंगन नहीं बनाते वैसे ही थोड़ा सा टेढ़ा करके बना इसका यहाँ का पोर्शन। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक बन गया यहाँ वाला पोर्शन। अभी हमारे नीचे का पोर्शन कंप्लीट तैयार हो गया। अब हमें बनाना है इनका ऊपर का पोर्शन। ऊपर का पोर्शन में मैं ईजीएस्ट चीज़ पहले बनाती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अब इनका हैंड बना रही हूँ। हैंड को हमें फील करते हुए बनाना है। इस हिसाब से हमें फील करते हुए बनाना है कि जैसे हमारे बाजू नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है और ऊपर से थोड़ा पतला हो जाता है, वैसे ही बनाना है। और हम इस मैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो कर रही हूँ अराउंड 6.5 सेंटीमीटर के अराउंड से स्टार्ट। ठीक है, इसको टेढ़ा ले जाके इसको थोड़ा सा टेढ़ा ले जाके फिर हमें हैंड ऊपर की ओर लेकर जाना है। हैंड हमें वैसे ही ले जाना है जैसे मैंने आपको पहले बोला, नीचे से थोड़ा चौड़ा और ऊपर से थोड़ा पतला ले जाते हुए। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब मेरे से हैंड थोड़ा सा इनका टेढ़ा बन गया, तो इसको रब करके आप दोबारा से कर लें। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनकी ये आउटलाइन बनानी है।
यहाँ से हमें इनका बनाना है हैंड का पोर्शन। हैंड का पोर्शन मैंने जस्ट ऐसे खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर हमें बनाएंगे तो थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हम बेसिक चीज़ तैयार कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर इनका इतना ही पोर्शन बनाना है, ठीक है। अब हमें बनाना है इनका दूसरी तरफ का हिस्सा। दूसरी तरफ का हिस्से में हम बनाएंगे सबसे पहले इनका हैंड। जैसे हमने यहाँ का हैंड बना दिया, अब हमें राइट हैंड साइड के हैंड बनाना है इनका। और राइट हैंड साइड के हैंड बनाने के लिए यहाँ जिस डायरेक्शन में मैं ले जा रही हूँ, प्लीज़ आप उसी डायरेक्शन में ही इनको आगे लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी चीज़ बन जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे बनी। हमें इनके हाथ में एक करताल बनानी है। मीरा भाई के हैंड में एक करताल होती है, प्लीज़ आप इसे फील करें। मीरा भाई के हैंड में करताल, जैसे कि उसने ऐसे हाथ में लिया हुआ है, आप फील करके इन्हें बनाएंगे तो अब बहुत अच्छा बनेगा ये। अब क्या करना है, हमें इनके हैंड बनाना है। हैंड का जो सबसे अच्छा चीज़ है वो है नेल्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इट्स ओके, हम लर्नर हैं, वी आर नॉट एक्सपर्ट। जो हमें नेल्स बनाने हैं वो हमें इस अकॉर्डिंग बनाने हैं कि यहाँ से थोड़ा पतला ले जाके नीचे थोड़ा बड़ा करना है, लंबा करते हैं। अब हमें यहाँ से इस डायरेक्शन में लेकर जानी है ये चीज़। अब हमें बनाना है इनका फेस। फेस हमें इस हिसाब से बनाना है कि भाई शी इज़ रिमेम्बरिंग गॉड, शी इज़ डूइंग सिमरन, उसके अकॉर्डिंगली हमें इनका फेस बनाना है। हल्का सा टेढ़ा बनाना है क्योंकि इनकी साइड पे एक तारा पड़ा हुआ है जिसे ये प्ले कर रही हैं। ये हमें इनका ऊपर का पोर्शन बनाना है। ये ऊपर का पोर्शन आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनके चुन्नी का पोर्शन बनेगा। मैं बहुत फास्ट बना रही हूँ, आप स्लो भी बना सकते हैं क्योंकि जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था वो बहुत स्लो में बनाया था। ये इनका फेस का पोर्शन तैयार हो गया हमारा। तो अब हमारे इनके बनानी है माला, जो ऐसे करनी है माला। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में हम बनाते चले जाएंगे। स्केचिंग में कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें तो हम फील करके बनानी होती है लेकिन कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट उसको फॉलो करना पड़ता है जिसको भी हम लेकर आगे चल रहे हैं। अब हमें इनके बनाने हैं बाल। बाल हल्के से हमें वेवरिंग बनानी है। आप प्लीज़ कोई भी अगर स्केच बनाएं तो उस स्केच को, जो आप फाइनल स्केच बन जाएगा, उसको आप बार बार देखते रहें क्योंकि आप उसको बार बार देखते रहेंगे तो आपके अंदर वो फील आएगी कि कौन सी चीज़ उसकी कैसे है। आप एग्जैक्ट कॉपी भी नहीं कर सकते कोई भी चीज़, और एग्जैक्ट आप उसको खुद के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। उसको बार बार आप देखते रहें जो ओरिजिनल बने हुए हैं। तो ये हमारी एक मीरा बाई का जो बेसिक स्केच है वो तैयार हो गया। एक यहाँ पर छोटा सा एक तारा को और हम बना देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक स्केच है जो तैयार हो गया। इस अब मेन अब आती है इसकी मेन चीज़, डेट इज़ कलरिंग। कलरिंग इन द सेंस इसको हम डार्क करेंगे, जहाँ पे हमारी दूसरी पेंसिल HB का यूज़ होगा, और डैट इज़ द बेस्ट पोर्शन। इसके बाद जो ये बनकर आएगी डैट वुड बी द लवलीएस्ट वन। बस अब हमें जो भी हमारा स्केच बना है इसको हम फटाफट फिल करते चले जाना है। हर चीज़ हमें इसे फिल करते चले जाएंगे। मैं फिल कर रही हूँ, मैं बहुत फास्ट फिल कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है। आप प्लीज़ बहुत ही स्लो और बहुत ही बारीकी से इसे बनाएं, इससे क्या होगा इसमें सफाई आएगी। ऐसे
ऐसे ही ये हमें सारा करना है जो भी इनका पोर्शन है, ओरिजिनल को आप मैच करते रहें, देखते रहें, जो जो सा पोर्शन हमने डार्क किया हुआ है वही आपको डार्क कर देना है इसमें। तो इस हिसाब से हमें सारा डार्क करते हुए बनाना है, और जो हमारा जो फाइनल डार्क करके बनेगा वो क्या होगा, वो यही यही होगा। मैं आपको फाइनल दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि डार्क करके क्या बनेगा। दिस सो दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, यू ट्राई, आर्ट बहुत अच्छी सी बन के आएगी, हमारा टाइम बहुत अच्छा सा यूज़ होगा और फील गुड फैक्टर आएगा हमें, हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।